अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन गुड। एंड आज का जो हमारी टेस्ट वीडियो है वो है हाउ टू गेट स्कॉलरशिप्स इन पाकिस्तान फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, के पाकिस्तान में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए आज एक इतना इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली ये अंडर ग्रेजुएट जो क्लियर कर जाते हैं, उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं अपनी इंजीनियरिंग डिग्रीज को, उसके स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं इंशाल्लाह इसमें आपको थोड़ा डिटेल से गाइड करूंगा। तो इसमें पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की तरफ से स्कॉलरशिप ऑफर होते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, उसमें मैं आपको कुछ गाइड करना चाहता हूँ इसमें कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले चीज़ तो आप ये ऐड है, मैंने आपके सामने ऐड ओपन किया है ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि ये किस मंथ में इसके स्कॉलरशिप अनाउंस होते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज एंड कराची इंस्टीट्यूट ऑफ पावर इंजीनियरिंग जो है, सबसे पहले इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप एमएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले आप देख लें, ठीक है। तो इसमें है ऑल पाकिस्तानी नेशनल्स विद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस प्रेफरेबली फर्स्ट क्लास एकेडमिक कैरियर एंड हाउएवर वन सेकंड डिवीजन इज अलाउड एक्सेप्ट in the final degree and in the case of semester system CGP 2.5 out of 4 in the final degree is required. अब यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा फर्स्ट डिवीजन को, लेकिन अगर एक सेकेंड डिवीजन है is allowed except in the final degree. आपकी final degree में सेकेंड डिवीजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर उससे पहले की डिग्रीज जो है जैसे FSC या मैट्रिक है, अगर उसमें सेकेंड डिवीजन है तो फिर एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं। आपकी final degree में अगर होगी तो एक एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कैंडिडेट हैविंग फोर ईयर बीएस फोर ईयर इन केमिस्ट्री कंप्यूटर जियोलॉजी मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट अंडरग्रेजुएट लेवल। अब जो स्टूडेंट्स एमएससी केमिस्ट्री के हैं या कंप्यूटर के हैं या जियोलॉजी के हैं, तो उनको उन्होंने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को जरूर जो है स्टडी किया हो। कैंडिडेट एक्सपेक्टिंग कंप्लीशन ऑफ द डिग्री इज रिक्वायर्ड बट एंड मे आल्सो बी अप्लाई। तो जिन स्टूडेंट्स की ये आपके सामने मेंशन है इस साल जो 2017 है, लेकिन ये वक्त हर साल इसी तरह अपडेट होते रहते हैं। उसके बाद एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट फॉर एडमिशन ऑन रेगुलर बेसिस फी बेसिस, हाउएवर फॉर फेलोशिप द एज लिमिट इज 32 ईयर फॉर एमबीबीएस डॉक्टर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई एज लिमिट है, लेकिन एज लिमिट यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। और लेकिन एमबीबीएस के लिए आपकी 32 है एंड 27 फॉर ऑल अदर प्रोग्राम। मेरिट जो है वो प्याज एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू के मुताबिक आपका सिलेक्ट किया जाता है। ये आपके सामने कोर्सेज मेंशन है कि आप एमएस किस फील्ड में करना चाहते हैं। अगर आप एमएस न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केमिकल सिविल इलेक्ट्रिकल पावर इन प्रोग्राम्स में आपकी डिग्री मुकम्मल होनी चाहिए और यकीन पोकराची में होगा। और अगर प्याज इस्लामाबाद में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपके पास एम एस मटेरियल इंजीनियरिंग, एम एस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एम एस न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, एम एस प्रोसेस इंजीनियरिंग है, एम एस सिस्टम इंजीनियरिंग है, उसके बाद एम एस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एम एस इन मिनरल रिसोर्स इंजीनियरिंग है, एम एस इन रेडियो फिजिक्स, एम एस फिजिक्स, एम एस इन रेडिएशन फिजिक्स, एम एस कंप्यूटर साइंस, एम एस न्यूक्लियर मेडिसिन, एम एस सी रेडिएशन एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग की काफ़ी डिग्रीज हैं जो एम एस के लेवल पर करवाई जा रही हैं प्यास इस्लामाबाद में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि due to very specific nature MS nuclear power engineering, the student admitted to this program will be awarded fellowship and the student will have to pledge to want to serve Pakistan Atomic Energy for 5 years after their graduation for regular candidates only. जो students MS in nuclear power engineering में करना चाहते हैं तो उनको 5 year का bond period sign करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप check कर सकते हैं MS program जो doctors के लिए है, medical doctors के लिए। ये एलिजिबिलिटी थी एमएस की, ठीक है। एमएस प्रोग्राम एट प्यास ये आपके सामने मेंशन है जो एमएस प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 एमएस प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन ओपन है यहाँ पर, और उसके अलावा ये आपको पीएचडी के लिए प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पर है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड सम ऑफ अदर गवर्नमेंट ऑफिस फेलोशिप of 25,000 per month with full fee waiver, free hostel transport, indoor medical treatment, or have to pledge to want to serve PAEC for 5 years after completion of the degree. आप डिग्री मुकम्मल होने के बाद 5 साल एटॉमिक एनर्जी को सर्व करेंगे,
ठीक है, एंड आफ्टर अपॉइंटिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री स्टडीज एज अ जूनियर साइंटिस्ट एंड जूनियर इंजीनियर एंड मेडिकल ऑफिसर इन SPS 8. एलिजिबिलिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ सीनियर साइंटिस्ट आफ्टर 2 ईयर ऑफ सर्विस, आपकी जब 2 साल की सर्विस मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपका स्केल रिवाइज हो जाएगा. फेलोशिप फॉर IT एनरोलमेंट फंड भी आपके लिए इसमें मेंशन है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. तो MS के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. फॉर PhD अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हियर. ये PhD अगर आप करना चाहते हैं तो PhD के लिए आपके सामने प्रेफरली भी फर्स्ट क्लास एकेडमिक कैरियर कोई मेंशन है, और MS में आपका 3.0 CGPA होना चाहिए, फिर आप PhD एप्लीकेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं. सब्जेक्ट GRE इंटरनेशनली या फिर गेट सब्जेक्ट का टेस्ट आपने एंटिस के थ्रू लिया हो. HEC स्कॉलरशिप होल्डर्स कैन अप्लाई. जिन स्टूडेंट्स के पास HEC स्कॉलरशिप है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. और PhD कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एट एनी टाइम आफ्टर क्वालिफाइंग सब्जेक्ट टेस्ट. अगर आप सब्जेक्ट टेस्ट अपना क्वालिफाई कर चुके हैं तो उसके बाद आप किसी टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं. फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड आफ्टर इंटरव्यू. उसके बाद देख सकते हैं आप रिसर्च एरियाज कौन कौन से आपको PhD में ऑफर होंगे. केमिकल एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स. ठीक है, तो ये फॉर MS एंड PhD मैंने आपको बता दिया जो प्यास के फेलोशिप्स हैं. स्टूडेंट्स के लिए तो आप इन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं rae.pias.edu.pk. अब ये मोर देन 150 फेलोशिप फॉर MS स्टडीज आर अवेलेबल ऑन कैंपेटेड बेस. ये MS के लिए आपके फेलोशिप्स हैं जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस प्यास ऑफर कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस का कुछ प्रोसीजर लिखा है कि आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं. ये BS का है. उसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन सबमिशन डेट में MS की क्या फीसेज हैं और PhD के लिए क्या फीस मेंशन है. फॉर MS एडिशनल 500 रुपीज शैल बी चार्ज इफ अ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बोथ प्यास एंड इनको. अगर वो दोनों के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसमें कुछ इस तरह एडमिशन टेस्ट आपके सामने मेंशन है जी. अहमदाबाद, बाबरपुर, खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, इस्लामाबाद, तमाम सिटीज मेंशन है. कोई अगर आपको मजीद इसके बारे में इंक्वायरी हो तो आप इन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करके कॉल से पता कर सकते हैं, और यू सिंपली ईमेल ऑन दिस एड्रेस और यूर लिंक को भी विजिट कर सकते हैं. तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या स्कॉलरशिप है पाकिस्तान में. इसके अलावा आप HEC को विजिट कर सकते हैं, NTS में भी स्कॉलरशिप्स को विजिट कर सकते हैं, आप लम्स का नेशनल आउटरीच प्रोग्राम विजिट कर सकते हैं, IB कराची का नेशनल टैलेंट एंड प्रोग्राम विजिट कर सकते हैं, जिसमें डिटेल से स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया हुआ है. उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें, ताकि उनको भी स्कॉलरशिप्स के बारे में अवेयरनेस हो कि कैसे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के बाद थे. अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल सॉरी अगर आप आफ्टर 12 ईयर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप HEC के स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करें. ठीक है, और अगर आप आफ्टर मैट्रिक अप्लाई करना चाहते हैं नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, दिस इज़ फॉर बेस्ट एंड नेशनल टैलेंट प्रोग्राम, ये दो इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप हैं जो HEC के नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हैं. दिस इज ऑल्सो फॉर SSC स्कॉलरशिप्स. ये आफ्टर SSC स्कॉलरशिप हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं. And hope this video will be helpful. This video is helpful for you. And so, how to get scholarship in Pakistan for engineering students. And next video, till then, Allah Hafiz.